आज का प्रोग्राम है फाइंड आउट मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर यूजर कुछ एलिमेंट्स इनपुट करता है, फॉर एग्जांपल 5, 8, -1, 0, 1। ये इंडेक्सेस वो हो गए आपके 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए यूजर इनपुट कर चुका है, इनपुट के बाद जो आपकी प्रोसेसिंग है, जो आपका लॉजिक है वो यहाँ से शुरू होगा। हम एक वेरिएबल लेकर के चलेंगे मैक्स, जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको स्टोर कराएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू एरे 0। तो इससे क्या होगा, आपका पहला एलिमेंट मैक्स में स्टोर हो जाएगा, फिर उसको बाकी सबसे कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो इधर देख लीजिए, मैक्स इज इक्वल टू एरे 0, तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। फिर आपका फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप के अंदर फॉर आई इज इक्वल टू 1 से चलाएंगे। 1 से इसलिए चलाएंगे क्योंकि 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमने मैक्स में स्टोर करा दी। तो 0 पोजीशन पे वैल्यू, तो पहली वैल्यू को पहली से कंपेयर कराने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम 1 से शुरू करेंगे। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन साइज, साइज आपका 5 है इस केस में, तो लूप 5 टाइम्स चलेगा। यहाँ देखिए लूप के अंदर क्या हो रहा है, इफ मैक्स लेस देन एरे आई, तो ये कंडीशन है। कंडीशन चेक करते हैं, मैक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, मैक्स की वैल्यू थी हमारी 5। अब इस 5 को कंपेयर कराएंगे एरे आई, एरे की वैल्यू एरे आई यानी कि 1, एरे 1 की वैल्यू है हमारी 8। तो 5 को 8 से कंपेयर कराएंगे, तो 5 लेस देन 8, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, यानी मैक्स की वैल्यू 8 से छोटी है। तो हमें क्या करना है, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, मैक्स इज इक्वल टू एरे आई, मैक्स के अंदर 8 स्टोर कराना है। तो 5 की जगह अब क्या आ जाएगा, 8। लूप आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इफ मैक्स लेस देन एरे आई। पहले आइटरेशन में तो ये हुआ, दूसरे आइटरेशन में मैक्स की वैल्यू अब हो चुकी है आपकी 8, तो 8 लेस देन एरे 2, 8 लेस देन -1, ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स। तो फॉल्स के केस में ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। उसके बाद लूप आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू हो चुकी है 3, मैक्स आपका क्या रहेगा 8, 8 लेस देन एरे 3 आपका है 0, ये भी इस बार फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर लूप आगे बढ़ेगा और दोबारा से कंडीशन चेक होगी, मैक्स की वैल्यू क्या है आपकी 8 लेस देन एरे 4, एरे 4 है आपका 1, ये कंडीशन भी हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पर आपकी ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपका लूप अब रुक जाएगा। रुकने के बाद जो भी मैक्स के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है उसको आप प्रिंट करा दीजिए, और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैक्स के अंदर आपने क्या स्टोर किया है, मैक्स के अंदर स्टोर हो चुका है 8, तो ये 8 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे ऑफ इंटीजर्स। अब अगर आपको मिनिमम फाइंड करना है तो यहां कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी बस। तो मिनिमम के लिए बहुत ही इजी है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, मिनिमम ग्रेटर देन एरे आई, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ये कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूं, ये तो हो गया आपका इनपुट पार्ट, यहां तक इनपुट हो गया, वही सेम है जो बाकी प्रोग्राम्स के अंदर है। फिर मैक्स इज इक्वल टू एरे 0 किया, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टोर फर्स्ट एलिमेंट इन मैक्स, ताकि इस एलिमेंट को बाकी सबसे कंपेयर करा सकें। तो यहां हो रहा है हमारा कंपैरिजन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो नंबर आपका बड़ा था वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा, फिर उसको डिस्प्ले करा दीजिए। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं, यहाँ देखिए, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, सपोज हमने 6 दिया तो 6 एलिमेंट हम एंटर करेंगे, एंटर 6 एलिमेंट्स, रैंडम एलिमेंट्स में एंटर करता हूँ, 45, 8, -9, 0, -8, 7, 4, 56। तो इन सभी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम एलिमेंट आपका 56 है, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आई होप ये प्रोग्राम भी आपकी समझ में आ गया होगा, और
इसी के जैसा मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए भी आप प्रोग्राम खुद ट्राई करिए, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। और इसका अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। थैंक यू।